A very good morning to everyone. So, uh, till now, we have seen uh, many things uh, regarding Python pandas. We can say uh, in Python pandas, we have seen why we are using pandas. We have seen pandas data structure. How many types of data structures do we have? We have, in actual, two data types. We can see those names on this page. Uh, those two data types are series and data frame.

सो दीज वेयर द थिंग्स मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जो हमने पढ़ी थी इनके सारों के विथ एग्ज़ाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस पेज पर यहाँ पर पांच एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि कैसे आप पाइथन uh, सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं एन डी आर ए चूँकि नम पाई हमने पढ़ा नहीं है तो एन डी आर ए ज़्यादा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस में था बट स्टिल जो चीज़ें दी हैं वो हमने पढ़ी यहाँ पर उसके बाद डिक्शनरी वी नो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ़ की वैल्यू पेयर्स होता है डिक्शनरी तो उस अनऑर्डर्ड सेट ऑफ़ की वैल्यू पेयर्स का यूज़ करके भी हम uh, पाइथन में सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है वी हैव सीन सम एग्जाम्पल्स एज वेल एंड दिस वॉज रिलेटेड टू स्पेसिफाइंग डेटा एज द स्कैलर वैल्यू हम किसी स्कैलर या सिंगल वैल्यू का यूज करके भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद दिस वॉज नॉट सफिशियंट तो कल की क्लास में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ये एडिशनल फंक्शनैलिटी यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो देर आर सम एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ जो हमको जानकारी होना चाहिए जिसके बारे में तो हमने वो चीज़ें देखी कि नैन वैल्यू कैसे स्पेसिफाई करते हैं इंडेक्स और डेटा लिख कर वैल्यूज कैसे दी जाती है उसके बाद हमने देखा था कि डेटा टाइप कैसे अलॉट कर सकते हैं किसी भी एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को और लास्ट एंड फॉरमोस्ट हमने जो देखा था वो था कि कैसे हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और अरे यार जस्ट अ मिनट ओके सो नाओ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको करने का बोला था आई uh, होप आप लोगों ने वो एग्जाम्पल कर लिया होगा आप लोगों को पता होगा कि एक मिनट सम्बडी एज हाँ आप लोगों को पता होगा कि क्या इस एग्जाम्पल में किया हुआ है चलिए एक बार और इसको uh, हम समझते हैं क्या था ये Uh, sequences section one section and country one store the section names a b c d e and contribution made by them respectively which is this much ठीक है तो इन्होंने बताया है कि एक section नाम का आपके पास uh, एक sequence है और एक country वन नाम का आपके पास section uh, sequence है तो जो section नाम का sequence है it contains value a b c d e and जो country नाम का सीक्वेंस है वो कंटेन करता है वैल्यू सिक्स सेवन डबल जीरो फाइव सिक्स डबल जीरो फाइव थाउजेंड फाइव टू डबल जीरो एंड निल निल मतलब कि जो सेक्शन ई e है उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है ठीक है योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू डोनेट एज मच कॉन्ट्रीब्यूशन एज मेड बाई ईच सेक्शन दैट इज डोनेशन वेल्यू डबल अब इन्होंने क्या बोला कि आपके स्कूल ने बोला है कि आप जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे हम उतना ही और मिलाएंगे और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो आपका प्लस हमारा मिलकर जो बनेगा वो अमाउंट होगा मतलब कि आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना ही स्कूल मिला रहा है मतलब कि उसका डबल हो जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको भी ऐसा एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आप लोग वैल्यू तो स्टूडेंट्स uh, के सेक्शंस ने जो कॉन्ट्रीब्यूट करी वो डालेंगे बट अल्टीमेटली सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनना कैसे चाहिए values को double होकर बनना चाहिए। तो अब वो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वैल्यूज को डबल होकर कैसे बनेगा तो वो हमको यहां पर बताया हुआ है। अब देखो पहली बात अगर हम यहां पर लिस्ट अप्लाई करते कल ही मैंने आप लोगों को बताया था अगर मैं एक लिस्ट बनाता और बोलता कि लिस्ट को डबल कर दो ठीक है अगर मैं लिस्ट को डबल करता और लिस्ट में वैल्यू होती वन और टू तो जब मैं इस लिस्ट में टू का मल्टीप्लीकेशन करता तो मेरा आउटपुट आता वन टू वन टू सो डेफिनेटली आई कैन नॉट यूज़ लिस्ट ओवर हियर टू डबल अप द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो वॉट वुड आई यूज़ सो मुझे यूज़ करना पड़ेगा नम पाई का एक पार्ट ठीक है एक नम पाई का फंक्शन होता है वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा और वो जो नम पाई का फंक्शन है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर एरे ठीक अब एरे यूज करना पड़ेगा एरे नम का पार्ट है तो सीधी सी बात क्या लिखना पड़ेगा एन पी डॉट क्योंकि नम का पार्ट है जब हम एन पी डॉट लिखेंगे तो अब हम लिस्ट नहीं बना रहे हैं हम बना रहे हैं एरे अब जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो एरे क्रिएट करने में यहाँ पर टू का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बट लिस्ट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिस्ट विल Uh, replicate रेप्लीकेट द वैल्यूज रिटर्न इन साइड द लिस्ट तो हम लोग लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते थे तो हमने यूज़ किया एन पी डॉट एरे अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या हमको समझ में आता है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहली बात अब जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो अब हमको लिखना पड़ेगा कि भैया हम पांडाज uh, यूज़ कर रहे हैं तो इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी नंपाई का कुछ पार्ट यूज़ करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट नम्पाई एस एन पी सेक्शन की वैल्यू दे दी लिस्ट में लिस्ट में क्या वैल्यू दे दी ए बी सी डी ई ठीक है ए बी सी डी सॉरी ए बी सी डी ही वैल्यू दे दी हमने लिस्ट में यहाँ आप देख सकते हो और अब नीचे आप देखो यहाँ पर जब ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने ली हुई है वैल्यू कंट्री वन की कंट्री वन की वैल्यू क्या ली है एन पी डॉट एरे फंक्शन लगाया है उस एरे फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये वैल्यू पास करें ये जो है अब ये एरे है ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ठीक है ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स को बोलते हैं एरे तो यहाँ पर अब ये एक नंपाई का पार्ट है और ये है एक एरे अब इस एरे में क्या क्या वैल्यूज है तो सिक्स सेवन डबल जीरो फाइव सिक्स डबल ज़ीरो फाइव थाउजेंड फाइव टू डबल जीरो और हमको पता है कि निल वैल्यू जब यहाँ पर इन्होंने बोली थी तो ये निल वैल्यू को आपको अप्लाई करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एन पी डॉट नैन जो हमने कल की क्लास में पढ़ा तो ऐसा जब हम करेंगे सो दीज फाइव वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन साइड कॉन्ट्री वन ठीक कॉन्ट्री वन में ये पांचों वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएंगी अब हमने एक पी डी डॉट सीरीज फंक्शन लगाया ठीक अब देखना पी डी डॉट सीरीज फंक्शन लगाया और पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लगाने के बाद डेटा की वैल्यू दे दी कॉन्ट्री वन इंटू टू ठीक है अब डबल हो सकता है क्वट्री वन इंटू टू इंडेक्स की वैल्यू वॉट गिवन्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू इज इंडेक्स्यून एट बी दुट देखो क्या हो सकता है तो आउटपुट विल बी लाइक दिस बिकॉज वी है द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्री इट्स नॉट इन टिजिट थ्री फोर डिजिट इट्स एक्चुअली इन फाइव डिजिट क्यों है ये फाइव डिजिट्स में बिकॉज द वैल्यूज आर बींग डबल्ड ठीक वैल्यूज क्या हो गई है डबल हो चुकी है बिकॉज वॉट दिस एग्जाम्पल वॉज एक्सप्लेनिंग अस दिस एग्जाम्पल वॉज एक्सप्लेनिंग अस दैट द स्कूल विल विल डू स्कूल डबल अप द अमाउंट दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो यहां पर जो भी हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी दिस दिस वैल्यू हैज बिन डबल्ड अप एंड इट हैज बीन शोन इन साइड दिस पर्टिकुलर आउटपुट एज अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा अगर आप लोगों ने कल इसको सॉल्व नहीं किया था तो दिस हैज बीन मेड क्लियर टू यू टूडे आवाज आ रही है आप लोगों को ओके देखो नाउ लेट इस मूव फर्दर और चेक करते हैं कि यहां पर और क्या चीजें हमको दी हुई है नाउ सी वन इम्पोर्टेंट नोट हैज बिन गिवन टू अस हियर दे हैव अस दैट राइटिंग अ अ सीरीज ऑब्जेक्ट व्हेन यू गिव इंडेक्स एरे एज सीक्वेंस देन देर इज नो कंपल्शन फॉर द यूनिकनेस ऑफ इंडेक्सेस ठीक है जब हम लोग कोई सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये ये वाली वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की थी ना यहाँ पर ये इंडेक्स वैल्यूज ए बी सी डी ई जो प्रोवाइड करी थी तो ये जो इंडेक्स वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं देर इज़ नो सच कंपल्शन दैट द इंडेक्स वैल्यूज शुड बी यूनिक यू कैन इवन प्रोवाइड वैल्यूज विच कैन बी रिपीटेड इन साइड आई इंडेक्स देर इज नो सच कंपल्शन की इंडेक्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको ट्राई करके देखा यू कैन सी ओवर हियर वॉट दे हैव डन देव क्रिएटेड एन ओ बीजे थ्री इन साइड दिस ओबीजे थ्री दे हैव आई एम हेयर मैं यहाँ पर हूँ दिस पार्ट जस्ट ऑब्जर्व दिस लाइन ओबीजे थ्री पीटी डॉट सीरीज फंक्शन मैंने लगाया पीटी डॉट सीरीज फंक्शन लगाने के बाद वेल well में जो भी वैल्यू थी ये एन पी डॉट ए रेंज टू पॉइंट सेवन फाइव से लेकर ओनली क्लियरली ऑब्जर्व दैट द इंडेक्स वैल्यूज विच आर गिवन ओवर हियर आर नॉट एट ऑल यूनिक एंड द वैल्यूज आर गेटिंग रिपीटेड ठीक है यू कैन सी दैट वैल्यूज आर गेटिंग रिपीटेड एंड स्टिल देर इज नो एरर इन आवर क्रिएशन ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर तो एक बात हमको यहाँ से ये यह पता चलती है कि द वैल्यू ऑफ इंडेक्सेस कैन बी रिपीटेड एंड देर इज नेवर एंड नो सच कंपलशन दैट द वैल्यूज शुड रिमेन यूनिक सो आई बिलीव ये आपको क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं ये बस एक इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ था यू कैन सी द आउटपुट टू बी लाइक दिस है ना ये देखो आप आउटपुट भी देख सकते हो यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यूज हैं दे आर गेटिंग रिपीटेड एंड यू कैन सी द वैल्यूज इन साइड द वैल्यू पार्ट और द डेटा पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ए बी ए ए बी रिपीट हुआ हुआ है नो प्रॉब्लम विद इट देर इज नो सच कंपल्शन दे कैन बी रिपीटेड ऑल तो अगर कभी कोई बोले कि भैया क्या हम ऐसा कोई इंडेक्स वैल्यू दें जिसमें इंडेक्सेस रिपीट हो रहे हैं सो कैन वी यूज हाँ सो डेफिनेटली वी कैन यूज देर इज़ नो सच कंपल्शन वी शुड नो और हमको ये बताते हुए आना चाहिए ठीक है नाउ वी हैव सीन मेनी थिंग्स रिलेटेड टू पांडा सबसे पहले हमने क्या देखा डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स टू टाइप्स के टू टाइप्स कौन कौन से तो एक हो गया सीरीज एक हो गया डेटा फ्रेम ठीक उसके बाद सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर के क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख ली फोर वेज़ देख ली है क्रिएट करने के फ़ोर वेज़ क्रिएट करने के बाद कुछ हमने एडिशनल फंक्शनैलिटी देख ली ठीक है एडिशनल फंक्शनैलिटी के बाद अब इतना सब देख लेने के बाद भी एक छोटा सा पार्ट है विच इज लेफ्ट जिसको हमको समझना है और उसको समझने के बाद आई बिलीव कि पूरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका होगा ऑल राइट right, चलो देखो विच इज़ दिस लास्ट पार्ट दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स मतलब किसी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड अस सम एट्रीब्यूट्स कुछ एट्रीब्यूट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं कुछ एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वी आर वर्किंग ऑन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर सो वी विल वी विल बी सीइंग द एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं चलिए देखिए क्रिएट अज टाइप ऑब्जेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इज एवेलेबल थ्रू एट्रीब्यूट ठीक है हम जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एवरीथिंग वट एवर वी हैव रिटन इन साइड द सीरीज ऑब्जेक्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेन्ड means we can see the information that we have entered through these attributes all right so in attributes ka use karke in properties ka use karke in characteristics ka use karke what we can do we can simply check the uh, values or all the information which has been given inside the series object उसको हम चेक कर सकते हैं चलिए तो कैसे चेक कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं तो वो हम देखते हैं तो इसको चेक करने का वॉट इज़ द वे ऑफ चेकिंग इट सो वॉट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने लिखा था एस वन इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज फंक्शन ठीक है मैंने ऐसा लिखा था तो मैंने ऑब्जेक्ट कौन सा पास किया मैंने पास किया मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हुई एस वन ठीक है मेरे सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यू है एस वन क्योंकि सीरीज जो मैंने क्रिएट करी है वो किस में स्टोर हो रही है तो वो इस एस वन के अंदर स्टोर हो रही है सो एस वन विल बी माई सीरीज ऑब्जेक्ट ठीक है तो अब मेरा जब मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट पता चल गया है तो मैं सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा एस वन आफ्टर दैट आई विल पुट अ डॉट और डॉट लगाने के बाद आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट जो भी आप एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो आपको अब उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ता है इज इट क्लियर क्या करना होता है नाम लिखना होता है अब चलो सीरीज uh, ऑब्जेक्ट का नाम तो पता चल गया आर आर ऑल देयर अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर टो सो दीज आर द नेम्स अब ध्यान रखो ये सारे उसके अंदर होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं सो वॉट दीज एट्रीब्यूट्स विल डू चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ हम ये सीरीज ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ना हम सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एस वन है तो हम लोग इधर एस वन ही मान के चलते हैं ठीक है सो फर्स्ट सीरीज ऑब्जेक्ट इज एस वन डॉट इंडेक्स ठीक पहले हम नाम देखते हैं सेकेंड सीरीज ऑब्जेक्ट है एस वन डॉट वैल्यूज थर्ड है एस वन डॉट डेटा टाइप फोर्थ है एस वन डॉट शेप पाँचवा है एस वन डॉट एन बाइट्स अगला है एस वन डॉट एन डिम अगला है एस वन डॉट साइज एस वन डॉट आइटम साइज़ एस वन डॉट हैज नैन्स हैज़ नैंस एन ए एन एस नॉट अ नंबर ठीक है डॉट एम टी एस वन डॉट एम टी मैं अगर आपको बोलूँ ऊपर के जो तीन हैं आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू अस कि ये तीन क्या करते होंगे ठीक है इफ़ आई एम सपोज टू राइट एस वन डॉट इंडेक्स फंक्शन सो एसन एज आई विस वन डॉट इंडेक्स फंक्शन सो वॉट इट विवाइ इट विल प्रोवाइड मी द वैल्यूज ऑफ द इंडेक्सेज विच आर देयर इन एस वन एस वन में जो इंडेक्सेज होंगे उसकी वैल्यूज कहाँ पर हमको डिस्प्ले होंगी तो वो डिस्प्ले होंगी एस वन डॉट इंडेक्स फंक्शन लगाने पर मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सी ओनली द इंडेक्सेज सो यू कैन राइट एस वन डॉट इंडेक्स फंक्शन इफ यू वॉन्ट टू सी only the values which you have provided so what you will write you will write s1 dot values function all right s1 values लिखेंगे तो सिर्फ values आएंगी अभी example के through हम सारी चीजों को देखने वाले हैं ठीक है d type तो s1.d type लगाएंगे तो जो भी डेटा टाइप है सिर्फ वो प्रिंट करेगा पूरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट नहीं करेगा ठीक आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज shape शेप क्या रिटर्न करता है तो शेप ये बताता है कि आपका जो ये आपने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है कॉलम्स तो डेफिनेटली सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है तो वो वन डायमेंशनली है तो यहाँ पर कॉलम्स तो सिंगल ही होंगे बट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर दैट विल बी डिस्प्लेड इन साइड द शेप एन बाइट्स बताएगा कितने नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनडेम साइज आइटम साइज हैज एंड एम टी हम आगे देखते हैं एक एक को जब हम डिटेल में समझेंगे तब ऑल राइट मूविंग टूवर्ड्स द वेरी फर्स्ट एरे जो फर्स्ट क्या है रिट्रीविंग इंडेक्स इंडेक्स रिट्रीव कैसे करा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे फाइव आपने लगा दिया ओ बीजे फाइव डॉट इंडेक्स फंक्शन अब ओबीजे फाइव डॉट इंडेक्स आप लगाओगे तो ओबीजे फाइव के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी तो ये देखो आउटपुट क्या आया इंडेक्स और इंडेक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट बन करके आई फेब जैन मार्च तो ये आपका इंडेक्स निकल आया ओ डॉट वैल्यूज प्रिंट की होती तो ओ डॉट वैल्यूज में देखो आंसर क्या आया एरे वैल्यू प्रिंट हुई क्या ट्वेंटी एट थर्टी वन थर्टी वन तो इस तरीके से इंडेक्स प्रिंट हो सकता है यहाँ पर इंडेक्सेस के बाद जो नेक्स्ट टाइप हमको यहाँ पर बताया हुआ है हम उसको देखते हैं यहाँ पर ओ टू और ये कुछ इन्होंने रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जो है अभी ये तो दो देख लिए हमने कौन कौन से इंडेक्स और वैल्यूज बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है डी टाइप शेप एंड बाइट्स इन सबको देखने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा ये वाला पूरा का पूरा जो एक ओबीजे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाकर बताया है इसको अस सी व्हाट दिस ओ बीजे ऑब्जेक्ट कंटेंस दिस ओ बी जे ऑब्जेक्ट कंटेंस वेरियस वैल्यूज वेच आर लाइक दिस थ्री पॉइंट फाइव फाइव सिक्स पॉइंट फाइव एट यहाँ पर आप देख रहे हो थ्री पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट और जीरो नहीं लिखाया आखिरी में सिक्स पॉइंट फाइव एट पॉइंट जीरो नहीं लिखाया आखिरी में अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो देर इज़ नो सच प्रॉब्लम दैट योर डेटा स्ट्रक्चर विल नॉट बी क्रिएटेड यू कैन इवन राइट दिस वे इट विल डेफिनेटली काउंटेड एज अ फ्लोट डेटा टाइप और वो कोई एरर नहीं प्रोड्यूस करने वाला है जैसे ही मैंने ओ बी जे टू को प्रिंट किया सो यू कैन सी द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड एज जीरो वन टू थ्री इंडेक्सेज मैंने प्रोवाइड नहीं करे सो द डिफॉल्ट इंडेक्सेज विल भी प्रिंटेड एंड वॉट आर दोज डिफॉल्ट इंडेक्सेज सो डिफॉल्ट इंडेक्सेज आर जीरो वन टू थ्री जीरो से स्टार्ट होता है और जहाँ तक आपकी सीरीज जाती है वहाँ तक की वैल्यूज प्रिंट करता है सो दिस हैजिन प्रिंटेड एंड द वैल्यूज आर थ्री पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट फाइव एट पॉइंट जीरो सो डेफिनेटली इफ इट इज कंटेनिंग वैल्यूज विच आर इन डेसीमल सो द डेटा टाइप विल बी फ्लोट सिक्सटी फोर क्या बोला था मैंने डेटा टाइप्स पाइथन ऑटोमेटिकली नियरेस्ट डेटा टाइप को ले लेता है सो द नियरेस्ट डेटा टाइप दैट पाइथन सजेस्ट इज फ्लोट 64 एंड इट हैज पुट वैल्यूज इन फ्लोट ठीक है दिस वाज़ द फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है ओबीजे थ्री की ओबीजे थ्री में क्या वैल्यूज है वैल्यूज विच आर गिवन इन द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर ओ थ्री जैसे ओबीजे थ्री को प्रिंट किया सो यू कैन सी द वैल्यूज टू बी दिस अगेन डेसिमल वैल्यूज हैं तो डेसिमल वैल्यूज है तो इट विल बी इन फ्लोट तो, तो यहाँ पर उसने जो आ, नियरेस्ट डेटा टाइप खुद से सजेस्ट किया है वो है फ्लोट सिक्सटी फोर एंड दिस वैल्यूज हैव बीन है तो आपको ये दो आ, पूरे के पूरे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री होते क्या हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और का यूज़ करके हम अगले एट्रीब्यूट्स को समझते हैं आई बिलीव आप लोगों को ये वाले एट्रीब्यूट्स क्लियर होंगे जस्ट मिनट जूम इन नहीं हो रहा है आप लोगों को ये वाले एट्रीब्यूट्स क्लियर होंगे इंडेक्स वैल्यूज क्या है ये डी टाइप को भी हम समझ सकते हैं डी टाइप लिखेंगे तो वो डेटा टाइप रिटर्न कर देगा फ्लोट सिक्स एन थर्टी टू फ्लोर थर्टी टू वट एवर विल बी द इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा आगे के एग्जाम्पल्स को अब हम समझते हैं चलो सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्लोट अब यहां पर डी टाइप कैसे क्रिएट देख सकते हैं तो ओ बीजे टू जो हमने पीछे बनाया उस पर लगा दिया डॉट डी टाइप फंक्शन तो ओ बीजे टू पर जब डी टाइप फंक्शन लगाया तो वैल्यू क्या आई वैल्यू आई फ्लोट सिक्सटी फोर ठीक है अब यहाँ पर फ्लोट सिक्सटी फोर तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी वैल्यूज थी यहाँ पर तो हम वो देखते हैं सो देर वेर अराउंड इन ओ बी जे टू देर वेर अराउंड फोर वैल्यूज ठीक है फोर वैल्यूज थी और यहाँ पर फ्लोट सिक्सटी फोर आंसर प्रोड्यूस होकर आया है ठीक अब यहाँ पर हम इसी के अंदर एक और, और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आइटम साइज जो ये आइटम साइज एट्रीब्यूट होता है वो ये बताता है कि आपके जितने भी आइटम्स हैं मतलब जो डेटा आपने प्रोवाइड किया हुआ है वो डेटा कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है सो इट इज ऑक्यूपाइंग एट बाइट्स मीन्स टू बाइट्स ईच है ना दो बाइट्स हर एक मेरा एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है चार एलिमेंट्स हैं मेरी इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में तो टोटल नंबर ऑफ कितने बाइट्स हो जाएंगे तो एट बाइट्स फोर टू जो एट तो हम बाइट्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी देख सकते हैं ठीक और ओबीजे टू ब्रैकेट में टाइप टाइप हम लिखते हैं अगर ओबीजे टू का तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ फंक्शन लगाते हो टाइप फंक्शन टाइप फंक्शन में आप लिख दिए ओ टू तो वो बताएगा कि ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है तो चूंकि ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इसमें जो भी इनपुट वैल्यू लानी थी पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज तो वो उसने वहाँ पर प्रिंट कर दी दैट इट इज़ अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर हाउ कैन यू रिट्रीव द शेप तो रिट्रीविंग द शेप इज इजी आपको ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है ओ बी टू ओ थ्री अब इन दोनों पर हमको क्या लगाना पड़ेगा तो हमको लगाना पड़ेगा डॉट शेप तो ओ टू डॉट शेप वो भी शेप, जब हमने इसको के के साथ लगाया तो आई four, comma, और आई और पर बाद हैज बिन लेफ्ट एंड दिस हैजिन लेफ्ट ब्लैंक ड्यू टू सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है ना चूंकि ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ कॉलम्स विल रिमेन वन ओनली हमेशा वहां पर वन ही कॉलम्स रहने वाले हैं तो इसीलिए इस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है इट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ टपल्स है ना इसको क्या बोलते हैं टपल्स बोलते हैं तो इट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ टपल्स ओ टू में फोर नंबर ऑफ़ टपल्स हैं और ओ थ्री में तीन नंबर ऑफ टपल्स हैं टपल्स मतलब रिकॉर्ड्स कितने हैं है ना तो वहाँ पर चार रिकॉर्ड्स थे यहाँ पर तीन थे तो यहाँ पर देखो नैन जो था नैन को भी उसने एज अ ऑब्जेक्ट काउंट किया हुआ है तो यहाँ पर तीन आए हैं तो इस तरीके से हम शेप uh, भी काउंट कर सकते हैं कि भैया uh, मेरे सीरीज ऑब्जेक्ट का शेप क्या है वो भी हम काउंट कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट वन इज़ डायमेंशन कितनी नंबर ऑफ़ एक्सेस हैं डिम एंड डिम मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस ठीक है तो नंबर ऑफ डायमेंशंस को uh, जानने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं तो वो क्या है पहले उसको हम समझते हैं फिर डिम uh, की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक देखो टू नो अबाउट द डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एक्सेस वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट नेम डॉट एंड डिम ठीक है कितनी नंबर ऑफ एक्सेसेज हैं उसमें तो वो हमको देखना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे एंड डिम अब ये तो वन uh, डायमेंशनल है अब वन डायमेंशनल है तो सीधी सी बात है इसमें कोई एक्सेस तो ज़्यादा होनी नहीं है तो सिंगल एक्सेस वाला वैल्यू स्टोर करता ही है तो नंबर ऑफ एक्सेस यहाँ पर तो सिंपली वन ही आना चाहिए क्योंकि वी आर ऑन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बट अगर हम यही एंड डिम फंक्शन डेटा फ्रेम पे लगाएंगे तो वो कुछ और आउटपुट जनरेट कर सकता है बिकॉज इट मे कंटेन वेरियस नंबर ऑफ कॉलम्स बट यहाँ पर इन आर केस इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इसका आंसर हमेशा वन ही आना है क्स्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीरीज ऑब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट एन बाइट ठीक है आपको क्या यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट साइज जैसे ही आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट साइज प्रिंट करोगे तो वो बताएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में है ठीक है तो ओ बीजे थ्री डॉट साइज uh, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो बीजे थ्री में तीन वैल्यूज थी तो आंसर आना चाहिए थ्री और नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं टू नो द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय द सीरीज ऑब्जेक्ट है ना पूरी बाइट्स कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो वो देखने के लिए हम लोग uh, क्या प्रिंट कर सकते हैं तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट एन बाइट्स ठीक है तो ऑब्जेक्ट डॉट एन बाइट्स प्रिंट करके भी हम बाइट्स uh, निकाल सकते हैं कि कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई वो कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर अच्छा वो जो एट आउटपुट आया था ये जो आइटम साइज़ है जस्ट अ मिनट कीप दिस थिंग इन माइंड ये जो आइटम साइज़ की वैल्यू आई थी ये सिंगल आइटम की वैल्यू है मतलब यहाँ पर एक आइटम की वैल्यू है ऐसा नहीं है कि दो बाइट्स ही है एक आइटम की वैल्यू एट बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है ऐसे चार आइटम्स हैं तो ट्वेंटी फोर बाइट्स हो जाएंगे दूसरे में तीन आइटम्स हैं तो तीन आइटम्स एट बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं एट थ्रीजर ट्वेंटी फोर हो जाएगा और यहाँ पर थर्टी टू हो जाएगा ठीक है फोर एट फोर सा थर्टी टू तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब हम आइटम साइज़ वाला फंक्शन लगाते हैं तो आइटम साइज बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है और अगर हम ओ बीजे थ्री डॉट एन बाइट्स फंक्शन लगाते हैं तो एन बाइट्स फंक्शन लगाने पर ये पता चलता है कि टोटल कितनी बाइट्स उसने ऑक्यूपाई करके रखी हैं ठीक है तो ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास आ उसके बाद हाँ उसके बाद जो दो और फंक्शंस हैं उनको भी देख ही लेते हैं छोटे से हैं वहाँ पर हमको ये बताया गया है कि आप एम कोई अगर आपका सीरीज ऑब्जेक्ट एम है तो आप कैसे पता कर सकते हैं तो कोई सीरीज ऑब्जेक्ट अगर एम है तो उसको पता करने के लिए आपको क्या लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एम फंक्शन ठीक है जो आप डॉट 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 एम जैसे ही लिखोगे आप तो आंसर आइधर ट्रू और फॉल्स में आएगा या तो वह एम होगा या तो नहीं होगा सो आंसर वुड बी आई ट्रू और फॉल्स द सेम थिंग गोज फॉर हैज नैन्स फंक्शन सो वॉट डज दिस हैज नैंस अच्छा यहाँ पर भी ये एम टी फंक्शन के बारे में बता रहे हैं हम हैज नैंस पे आते हैं हैज क्या करता है तो हैज नैन्स ऑल्सो प्रोड्यूस द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स अगर मैंने लिख दिया ओ टू डॉट हैज नैन्स तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स क्योंकि ओ बी टू में चारों वैल्यूज़ थी कोई भी नैन वैल्यू नहीं थी बट अगर मैं डालूँ ओ बी थ्री डॉट हैज नैन्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ बी थ्री में जो थी वहाँ पर uh, नैन वैल्यू थी तो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो आया है ट्रू तो हैज़ नैन्स ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस करता है एम टी ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस करता है कि आपका सीरीज ऑब्जेक्ट एम टी है या नहीं तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हमको बताई हुई है एक एग्जाम्पल नंबर थर्टीन है Uh, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग इस एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन को एक बार समझना और उनके जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आप लोगों को उसकी लिखना है वो इन्होंने बताया हुआ है तो ये एग्ज़ाम्पल विल बी और होमवर्क इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को अभी ग्रुप पे शेयर कर दूँगा तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगाट सो स्टूडेंट्स दिस इज़ इट फॉर टूडेज़ क्लास मैं आप लोगों को अभी uh, इससे रिलेटेड जो भी हाँ पी तो आप लोगों को मैं ग्रुप पे शेयर कर ही चुका हूँ बस ये एग्जाम्पल आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को उसमें कुछ दिक्कत हो एग्जाम्पल में तो आप लोग पूछ सकते हैं ऑल सो स्टूडेंट दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास कुछ डाउट हो तो वहाँ पर जरूर पूछना